इनके लगता है कोई स्पेशल टाइम हो गया ना, बच्चों का तो दूध का टाइम हो गया, इसलिए शोर किए जा रही हैं। जंतर को पानी लगा हुआ है, कुत्ते मामा खान ने इधर बांध दिए हैं पाइप के साथ, और उसका रिजल्ट ये है कि एक कुत्ते ने इधर से लीक कर दिया और एक कुत्ते ने इधर से लीक कर दिया। मामा खान ने बिना काम खराब ही कर दिया, यहाँ तो कुत्तों को टाइट करके बांधता नहीं है, परे बांधता। चले बर पाइप तो पेंचर हो गया, इसको सारा पानी इधर खड़ा हो रहा है। मामे खान ने पैप के नाल कुत्ते बन छड़े ने, तो पैप लीक हो गया। मामा खान अब किस तरह ठीक करेगा उसको? ये शापर अंदर रखता। अब उसको चिकम चिकम लगाओ वो जाके देखना, जाने इतना पानी लीक हो रहा है। कुत्तों को दूर बांधते हैं ना यार, मक्खियाँ कैसे रखते हैं शहर की मक्खियाँ? मैंने पहली बार इन पर सही सर्च किया है, खुद सुबह 8 बजे सोया हूँ, रात को मैंने इनकी इतनी वीडियोस देखी हैं, आधी समझ आ गई है। और असल में दिन को वक्त नहीं मिलता कुछ भी इस तरह का सीखने का करने को ना, तो एक आध रात और जागना पड़ना तो फिर समझ काफ़ी आ जाएगी उम्मीद है। तो इसलिए सुबह 8 बजे सोया हूँ, तो फिर उठा भी लेट ही हूँ तो अभी भी कुछ 5:30 बज चुके हैं, और बतौर के बच्चों की क्या पोजीशन है अभी चल के ये देखते हैं। ये इनकी पोजीशन है, पानी पिए जा रहे हैं, मक्खियों के पीछे भाग रहे हैं और फिट फाट है, सेहतमंद है ना। ये बड़ी हार्डी ब्रीड है, ये सर्वाइव कर देती है। मैंने जो इनको देखा ना, इनमें 98% सर्वाइवल रेट है। एक बार बस बच्चा बच जाए 2-4 दिन का हो जाए, फिर ये नहीं मरते। तो बिल्ली ले जाए तो ले जाए, वरना ये जिंदा रह लेते हैं। इनके पास 100 जिंदा रहने के तरीके हैं। देखें अब मक्खियाँ कैसे पकड़ते हैं, अगर हमने कुछ भी ना डालें तो इन्होंने ऊपर में मक्खियाँ पकड़ के अपना गुजारा कर लेना है। पानी ये वाफर पीते हैं, वो इन्हें लाजमी देना पड़ता है, वरना ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। चल के एक बार बतहों को चेक करते हैं। बच्चा नहीं आया कि नहीं आया? इसके नीचे ना बच्चा कोई नहीं। अच्छा यही होता है कि अंडे बाद बाद ना ख़राब हो जाते हैं इनके भी। अंडों के तो ढेर लगे हुए हैं लेकिन बच्चा कोई नहीं, पता नहीं क्या मामला है। अब जितनी गर्मी है कम से कम मिंट वाला पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई है, नहीं तो अब सांस ही चढ़ा रहता सारा दिन। एक मादा ने बच्चे दिए, ये देखें इसने, तकरीबन इसने 5 बच्चे दिए। इसके साथ ये जो मादा है अब ये भी तैयारी पकड़ रही है, घोंसला बना रही है ना, क्या ना बाल उतार रही है अपने से, ये भी बच्चे देने वाली है। गर्मी इतनी है ना, इनमें कई बच्चे मर जाएंगे, कई हामला मादाएं मर जाएंगी, लेकिन हम इनकी प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते ना, ज़्यादा तो गर्मी होती है। प्रोडक्शन को रोकें तो फिर आगे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मादियाँ बाल का ठहरती नहीं, तो इसलिए सारा साल इन्हें क्रॉसिंग में रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है।
ये जी आप चेक करें कैसा व्यू है तमूड़ी ने सूरज को सर पे उठाया हुआ ये देखे कैसा विंडो में बैठ गया आगे चले खुद ही उड़ जाएगी ये देखे तमूड़ी को आग लगा रहे हैं आगे से डस भी नहीं सकती इतने बहुत डर है हम ए तमूड़िए देखिए तो जब चुम्मी ले फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी आज बट साहब छुट्टी पे आए जुम्मे तो नदीम साहब को काम करने पड़ रहे उड़ गई नदीम साहब तो लकड़ी बड़ी पई है फिर चुरा लो वो चुरा लो कल या परसों चुरा ठीक जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है हूरो है आम से गुज़र बादा जाम से गुज़र केड़ी दी खोए छोटे छोटे मेंगना जिडे मेंगना पाई ना अगली बार लिद पा दे अच्छा अज हम भिंडिया खोद सही दो तरह का बैंगन हरा तो काला सही अच्छा जी ये सब्जी हूं लाई है ताजा ताजा फ्रेश अच्छा अज तुम लाया बैंगन जी हाँ ये कच्चे नहीं ला लिया नहीं जी ये ना पौधे ने कोई एवं दे कई कलर ही ऐसा है जी आ देखो ना आ कोई काले वाले ने कोई ऐसे चिट्टे वाले ने देखो सारे ही इंजे ने आ ले लैने जी आ काले से हाँ जी आ मर्चे जी अच्छा मर्चे हाँ जी आ शिमला जी सही ए टमाटर ने मेंगना मेंगना जी टमाटर ये तो सारे छोटा क्यों ये चैना जी अच्छा अच्छा हाँ जी चैना तो बड़ा चैना जी होंगे ना चैना तो तुम पता नींबू भी एवं दे पौधे बूटे जड़े ने भरे होंगे ने जो इन्हें आपू व्डा मुल के चीज़ा निकिया होंगे लेकिन बेले अब फिर पहुंच चुकी हैं बस और एक आध हफ्ते तक ना काफ़ी सारी सब्जी इनकी रोज उतरना शुरू हो जानी आज पानी तो कोई नहीं लगा हुआ बाहर भी पानी कोई लगा हुआ अब इसमें घास भी निकलना शुरू हो रहा है गोड़ी तो बहरहाल फिर करनी पड़ती है ना जी सब्जी में ये काम तो ज़रूरी है सब्जी लगाने का काम क्योंकि बड़ा टेक्निकल भी होता है और मुश्किल भी है बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है कि रोज़ाना आपने तोड़ ली है सब्ज़ी और रोज़ाना बेचनी तो इसलिए इतनी मुश्किल काम अमूमन लोग नहीं करते लोग या चारा काश कर लेते हैं या फिर गंदम काश कर लेते हैं या कोई गन्ने लगा लेते हैं मतलब इस तरह का काम करते हैं कि जो एक ही बार लगाया बस फिर चार छः माह बाद वो फसल ले ली ना ये मसला ये होता है जो इस तरह के काम होते हैं ना जो हर बंदा कर रहा है उसमें कंपटीशन इतना नेगेटिव हो जाता है कि फिर उसमें फ़ायदा नहीं रहता ना तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें वो फ़ायदेमंद हो तो फिर आपको कंपटीशन से ज़रा हट के सोचना पड़ता है सामने दीवार के ऊपर एक काली तोरी की बेल लगी हुई है
और इस बेल के ऊपर काली तोरी लगी नज़र आ रही है। ये काली तोरी है, ये भी काली तोरी है, ये भी काली तोरी है। इसका मतलब है कि फल लगना बाकायदा तौर पे अब शुरू हो गया है। इनके बारे में मैंने बड़ा स्टडी किया रात को, कोई 8-10 घंटे, तो इसके इनके बारे में बड़ी मालूमात मिली है। तो असल कोई भी काम है ना, जब तक वो आप उसको खुद नहीं ना करते और आप उसको खुद जानते नहीं, उस वक्त तक ना वो फिर कुछ ना कुछ उसमें मसाइल रह जाते हैं। तो इसलिए आप जब दोबारा से शुरू करना है तो फिर ना मुकम्मल जब तक इसकी तैयारी ना हो जाए आप इसको फिर शुरू नहीं करना दोबारा, क्योंकि मकसद तो जानवर मक्खियों को मारना तो नहीं, मकसद तो उनको बढ़ाना और उनसे फ़ायदा लेना है। ये तब तक नहीं मुमकिन जब तक आप इस काम को खुद 100% तक नहीं समझते। किसी काम में भी, लाइफ स्टॉक में या कोई भी काम है, उस वक्त तक कामयाबी नहीं जब तक आप उस काम को खुद नहीं समझते, खुद नहीं करते, और उसके बाद जब आप अपनी टीम बना लें उससे काम करवा लें। लेकिन पहले आपको खुद काम आना चाहिए, ये कामयाबी की बुनियादी शर्त है। ये जनाब अपना एक मोबाइल घर पड़ा हुआ था पुराना, तो अब ये रख लेगा इधर नुमान, इसमें नई सिम डालेंगे और जो भी सब्जी के गाहक है ना इस पर इनसे रब्ता करेंगे अलहदा से सेल का नंबर इन्हें दे देंगे। भाई काका इन्हें तो नहीं स्प्रे करना, चल उधर चल, उधर जाके अपनी गेम कर गया, चल अब कुर्बानी के लिए। वेड़े भी नज़र आना शुरू हो गए, बकरे भी और वेड़े भी। मर्दा उत्ते आमदे रहंदे औखे सौखे वेले, ते मर्द मंगारे कदे नहीं हारे वांगण शेर मरीले। और आज जनाब हमारे रात के खाने में आ जी मशरूम और उसके साथ मछली।